तो गाइज आज हम ट्रेंड चलाने वाले हैं ट्विटर पर, हैशटैग इंक्लूड रामायण महाभारत भगवद गीता इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वही बात करें हमारे हिस्ट्री जो होता है वो दूसरे देशों का या तो फेक हिस्ट्री को रिप्लेस करके दूसरा हिस्ट्री डाला जाता है स्कूल्स में और कॉलेजेस में। तो हम देख सकते हैं कि कैसा हमसे इतना गलती छुपा रहे हैं, पर रियल हिस्ट्री तो दूसरा है। और लीडरशिप अब के समय में बच्चों में लीडरशिप ज़्यादातर मर चुकी है, और इसको जागरूक करने के लिए हम महाभारत रामायण और भगवद गीता को स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंक्लूड करने से हमको लीडरशिप बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। वरना बच्चे आज कोई राइट चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, गेम्स में इंटरेस्ट ज़्यादा शो कर रहे हैं। और तो और एजुकेशन की बात करें तो ऐसा एजुकेशन मिलता है तो बच्चे भी क्यों पढ़ते हैं। जो साइंस कंफर्म होता है वो 50% या तो 60% ही होता है। देखिए तो 50% 60% मतलब डार्विन का थ्योरी वो भी नहीं मानता था। और सोशल इश्यूज़ सोशल बुक्स जैसे होते हैं ना, वो सोशल इश्यूज़ बढ़ाने में होते हैं। हिस्ट्री बुक्स वो हिस्ट्री हमको रिप्लेस करके हिस्ट्री दिखा दे रहे। अगर मेरे माने तो ऐसा एजुकेशन देने से अच्छा घर में बैठा के गेम से खेलना भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा एजुकेशन मिलता है तो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई और नहीं हो सकती है आपके बच्चों के लिए। ऐसा एजुकेशन क्यों आपके बच्चों को दी जा रही है, इसका आंसर है आप ही हो, क्योंकि आप एजुकेशन को नॉलेज की तरह नहीं देखते हो। आप एजुकेशन को जैसे पैसे आते हैं, जॉब 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 जॉब, एजुकेशन को राइट वे में नहीं देखते हो, सिर्फ और सिर्फ जॉब पैसे ऐसा ही देखते हो एजुकेशन को। पर एजुकेशन का रियल अर्थ होता है लाइफ में सब कुछ पढ़ना और नॉलेज गेन करना ही एजुकेशन है, ना कि ऐसा कोर्सेज करने से पहले मैच्योरिटी आने के लिए एजुकेशन दी जाती है, ना कि ऐसा चीज़ें गलत ऐसे बाबर को महाराजा बोलना, अकबर को महाराजा बोलना, ये सब ऐसा सिखाया जाता है आपके बच्चों को स्कूल्स में। आपके बच्चों को कभी भी स्कूल में ये नहीं बता दिया जाता है कि अकबर सुसु करता था महाराणा प्रताप को देखते ही, क्योंकि महाराणा प्रताप काटते तो घोड़े के साथ भी काट देते हैं, इसीलिए डरता था अकबर। रात को नींद में नहीं आने के लिए उसका ओल्ला को प्रणाम करता था नहीं आने दो के लिए, ऐसा डर है अकबर को। पर ये कभी हिस्ट्री बुक्स में नहीं सिखाई जाती है। आप ही बताओ ऐसा एजुकेशन देके अच्छा है या बुरा। आपके बच्चों को ऐसा एजुकेशन देने से अच्छा घर में क्यों बैठे हैं आप से देख सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग रावण को अपना राजा मान के रखे हैं, राम को अवमान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे कैसे बात में चल रहे हैं, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ता है, वरना कल दिन कलयुग का घोर अंत भी हो सकता है। आप देख सकते हो, इसीलिए हमको सुधारना पड़ेगा, इसीलिए ये ट्रेंड चलाना पड़ेगा। और बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि महात्मा गांधी महात्मा थे, ये अंग्रेजों को तो महात्मा गांधी का वो प्रोटेस्ट एक कोई कॉमेडी शो से कम भी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं डरते थे कि एक चूतिया आके बोलता है कि बूढ़ा चले जाओ तो कोई भी चले जाता है क्या, और भी लूटने के लिए ही देखता है ना। हमारे रियल फादर ऑफ द नेशन तो सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि उसके वजह से ही हमको आज़ादी मिली है। वहीं बात करें तो वो कहते थे कि मेरे देश से चले जाओ, इससे नहीं डरते थे, मेरे देश से चले जाओ वरना मार दूंगा वर्ड से डरते थे अंग्रेज, इसीलिए भाग गए, ना कि ये चूतिया साला प्रोटेस्ट करने से।